हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। काम वाम कर रहे हैं नहीं कर रहे कॉपी में? आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने कॉपी डाल ली होगी। काम कर रहे हैं, खूब सारा समय है आपके पास में। स्कूल का टाइम नॉर्मली 12-1 बजे तक होता था, तो अब तो 10-10, 12-12 मिनट के वीडियो आ रहे हैं। अभी सभी कक्षाओं के वीडियो सब्जेक्ट के वीडियो जोड़ने गए तो भी मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं कि आपके पास। लास्ट 1 घंटा है, उस 1 घंटे के काम में हो सकता है कि काम ज़्यादा हो, 1.5 घंटा 2 घंटा, अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क है। पूरा समय लेकर के बढ़िया जमा करके अच्छी सी कॉपी डालें, कवर अवर लगा करके उसको रेडी रखें और उसमें काम करें, धीरे धीरे करें। भागने की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। और काम पूरा है कि नहीं है, मैं किसी भी समय आपके घर पर आकर के गृह संपर्क पर और आपका होमवर्क चेक कर सकता हूँ। मैं नहीं, बाकी भी अध्यापक जो है वो ऐसा कर सकते हैं। तो आप लोग सभी विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने इतिहास इसे लिया है, वो काम कंप्लीट रखें। दूसरी बात, आपके पास खूब समय है, आपका अपना खुद का फोन है, वीडियो आपके पास में सेव है, एक वीडियो को 2-2, 3-3, 4-4 बार देखें। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, दिमाग में अन्य प्रकार की बातें न रखें और पूरा फोकस उस वीडियो पर करें कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस संबंध में ये हमें जानकारी दे रहे हैं, और फील करें कि वास्तव में उस समय ऐसा होता था क्या। क्योंकि हम इतिहास की चीज़ें पढ़ रहे हैं, पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम 7-8 हज़ार साल पहले की जानकारी जो है वो वर्तमान के संदर्भ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या क्या चीज़ें होती थी, क्या कर रहे थे, हम उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को फेल करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा बातें अपने दिमाग में सेव रखें, भूलें नहीं उन चीज़ों को। भूलते हैं तो आप वापस उस वीडियो को देखें, कॉपी आपके पास में है, इन प्रश्न उत्तरों को अभी इसी समय याद करने की कोशिश करें। 1-1.5 महीना 2 महीना हो जाएगा, कॉपी के अंदर 100-150 पेज बन जाएंगे, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, मुश्किलें आपके सामने आ जाएगी कि, और फिर आपको लगेगा कि वैसे हार्ड है, हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, हार्ड वर्ड कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें होती है, ये सब बहाने हैं, इनको नहीं पढ़ना होता है। डेली कितना 2 दिन हो गए कोई काम नहीं है आपके पास में, ऐसे ही बैठे हो निकल रही, कोई काम नहीं है हिस्ट्री का। अभी मैं आपको कुछ काम दूंगा, पेज डेढ़ पेज काम है पूरा सा, 1-1.5 पन्ने को अगर 2-3 बार भी ढंग से पढ़ लेवे तो वो तो हमें ऐसे ही याद हो सकता है, और इतना ही काम आता है। 1-1.5 पन्ना मुश्किल से काम आता है, सवाल 1 या 2 अधिकतम, इतने सवाल 1 दिन के अंदर होते हैं। तो इनको ठीक अच्छे से पढ़ें और इनको याद करने की कोशिश करें, ताकि जैसे ही आपकी स्कूलें खुलें, ठीक है, आपके प्री बोर्ड वगैरह हो, टेस्ट वगैरह हो, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पीछे का काफ़ी सारा आपको याद रहेगा, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, स्कूल आने में भी आप आनाकानी नहीं करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर विद्यार्थी डर जाते हैं स्कूल आने से, क्योंकि पढ़ते नहीं है, याद नहीं होता है, फिर बहाने बनाते हैं, पेट दर्द होता है, संदर्भ होता है, छुट्टियाँ लेते हैं, तो ये बहानेबाजी ना हो, ये ध्यान रखना। आगे आज हम पढ़ेंगे हड़प्पाकालीन कृषि और प्रौद्योगिकी, ठीक है, खेती बाड़ी हड़प्पा काल के दौरान। एक तो पढ़ेंगे कृषि और एक प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, दो चीज़ें साथ में, कृषि और कृषि यदि होती है तो टेक्नोलॉजी उस समय किस प्रकार की थी। आधुनिक वर्तमान के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टरों के माध्यम से और के माध्यम से जिस प्रकार से फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, ये चीज़ें अभी वर्तमान के अंदर चल रही है। एक मशीन आती है, अपने आप फसलों को काटती रहती है, अपने आप गेहूँ बाजरा अलग होता रहता है, चारा अलग होता है, सब कुछ, वो हेरा तेल बुआई सब कुछ ट्रैक्टरों के माध्यम से, और आदमी केवल खड़ा खड़ा बैठ रहता है, मशीन काम करती है, मशीन बंद ना हो जाए, पेट्रोल डीजल उसके अंदर है कि नहीं है, वो सही तरीके से काम कर रही नहीं कर रही, इंसान को इतना ही ध्यान रखता है, बाकी सब मशीनों से होता है। प्राचीन काल में किस प्रकार की मशीनें थी, किस प्रकार के औजार थे हमारे पास में, इसके संदर्भ में। हालिया अभी वर्तमान में कितनी प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन सी अनाज चीज़ें फल फूल पैदा होते हैं, उस समय क्या था, इसके संदर्भ के अंदर हम पढ़ेंगे, ये जानेगा। तो प्राचीन काल के अंदर जो है वो खेती होती थी बेलों से, बेल, बेल की कर लूँ, बेल, बेलों, संस्कृत में क्या बोलते हैं, वृषभ। प्राचीन काल में खेती किससे होती है, बेलों से। राजस्थान के एक जिला है राजस्थान का, जिसके बेल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ग्रामीण अंचल में अभी भी कहीं कहीं पर जो लोग कमजोर स्तर के किसान हैं, वो
ट्रैक्टरों से और से जो है वो खेती बाड़ी नहीं करवा सकते, पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए वो अपने घर में पालतू नारे रखते हैं, नारे गाय का बछड़ा जो होता है ना नारे, ठीक है, फिर वो मजबूत कदकाठी के हो जाते हैं, बेल बन जाते हैं, बेलों से जो है वो कृषि कार्य किया जाता है। एक जिला है जिसके बेल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है, कौन सा है, अपना खुद का जिला है, दूसरा मतलब नाम है नागौर, नागौर जिला जो है वो बेलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, नागौर में बहुत से मेले लगते हैं जहाँ पर ये बेल बिकने के लिए आते हैं, पता है ना आपको, अपने पास में मेला लगता है पाबोड़ाव में, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है ITI के पास में मेला लगता है, पाबोड़ाव मेला लगता है, परबतसर के अंदर मेला लगता है, डीलवाणा मेला लगता है, नागौर मेला लगता है, मेड़ता मेला लगता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा राज्य स्तर के स्टेट लेवल के जो पशु मेलों का आयोजन करता है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट, और इसमें एक ही चीज़ सबसे मुख्य है वो है नागौरी बेल जो कि बिकने के लिए आते हैं। तो प्राचीन काल के अंदर ट्रैक्टर नहीं थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर नहीं था, टेक्नोलॉजी यही थी हमारी, बेलों के माध्यम से हम खेती करेंगे, ठीक है, ये था इसकी जानकारी। इसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके अवशेष हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो वस्तु है, कलाकृति है, वो है मुहर। क्या है? मुहर। मुहर जानते हो ना, अंग्रेजी में इसको सील कहते हैं, जिससे हम छाप लगाते हैं। आपने अपनी मार्कशीट तो देखी होगी, उस मार्कशीट पर राइट साइड के अंदर लिखा हुआ प्रधानाचार्य, ठीक है, ओरिजिनल जो 10वीं कक्षा की मार्कशीट है आपकी, प्रधानाचार्य नीचे लिखा हुआ है, उस पर एक सील लगी हुई है। आपकी 11वीं कक्षा की मार्कशीट देखना, आप राइट साइड के अंदर लिखा हुआ है प्रधानाचार्य, और प्रधानाचार्य के नाम पर एक सील लगी हुई, मुहर लगी हुई है, ये वो मुहर है, क्लियर। प्राचीन काल की मुहर जो है वो किससे बनी होती थी? शेल खड़ी, ये मुहर किस पत्थर की बनी हुई है? शेल खड़े की बनी है, चूना टाइप का आता है उसको बना करके पिघला करके उसकी बनी हुई है, ठीक है, ये जानिए। तो प्राचीन काल के अंदर कैसी खेती बाड़ी किससे होती है? बेलों से, ये ध्यान रखना, बेलों से खेती बाड़ी होती है, और इसके हिसाब से हमें मुहर पर ठीक है, जितनी भी ये छाप लगाने वाली बनी हुई है शेल खड़े की, इस पर इस वृषभ का क्या किया हुआ है? रेखांकन, ये ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता फिर मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बेल बना दिया, ठीक है, ये एक प्रकार की मुहर है, अरे इसे पूंछ तो बनाई नहीं, ये मुहर बनी हुई है, इस मुहर का हम लगाएंगे ठप्पा, ठीक है, तो जिससे पता चल जाएगा हमें कि उस समय बेलों का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, ये जो पहले हमारी हड़प्पाकालीन कृषि प्रौद्योगिकी का ये पहला बिंदु, ठीक है। दूसरा देखो, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल आपके दिमाग में आ रहे हैं उनमें अपने राजस्थान का एक अति विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है कालीबंग। कालीबंगा राजस्थान के इस जिले में हनुमानगढ़ जिले, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा नामक स्थल से हमें साक्ष्य मिले हैं, जिसके जुटे हुए खेतों के, ये जुटे हुए खेत किससे संबंधित है? कृषि से, ठीक है, और जुटे हुए खेतों के अंदर जो हमें खेतों के अंदर जो अपने क्या बोलते हैं, उमरा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? उमरा बोलते हैं, जब वो खेत ट्रैक्टर निकलता है जहाँ पर बीज डाले जाते हैं सीधे, उसको उमरा बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता से हमें जो अवशेष मिले ना, वो आड़ी और तिरछी रेखाएं, रेखाओं के अवशेष मिले, ये देखो एक दूसरे को लगभग समकोण पर काट रही है, मैंने थोड़ा सा ऐसा किया था, ये दो एकदम से, अब देखो ये समकोण हो गया, ये संपूर्ण हो गया, ये संपूर्ण है, ये संपूर्ण है। कालीबंगा सभ्यता स्थल से जुटे हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, और
खेतों के अंदर आड़ी और तिरछी रेखाओं के अवशेष है जो एक दूसरे को किस पर काट रही है, समकोण पर, किस पर काटती है, समकोण पर काट रही है। ठीक है, तो ये एक किसका अवशेष हो गया, कृषि का। ठीक है, दो फसलें एक साथ बोई जाती, कालीबंगा से दो फसलों के एक साथ बोने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दो फसलें कौन सी है, गेहूं है और जो, इन दोनों के एक साथ साक्ष्य मिले हैं, मतलब दो दो फसलें एक साथ पैदा करने का हुनर भी इन लोगों ने प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तीसरा देखो, अभी तो तीसरा बिंदु औजार, अभी तो हमारे पास में खेती बाड़ी के बहुत सारे औजार आ गए। अब जो खेती बाड़ी करता है वो तो जानता है, हम जैसे लोग और आप में से भी अधिकांश लोग नहीं जानते। नॉर्मली औजारों में हम तो ट्रैक्टर को जानते हैं, मैसी, इसके अलावा हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, हेरा, तेल, ठीक है, वो हल, पता नहीं क्या क्या होता है फसलों के निकालने का। गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में तो बहुत है, टेक्नोलॉजी आ गई इतनी, इंसान को काम करने की आवश्यकता नहीं है, पैसा लगाओ तमाशा देखो, बस ये मशीन ही सब कुछ काम करेगी, आप आदमियों से बेहतर कार्य करेगी मशीन, ये लो इतना बढ़िया काम जो है वो मशीनरी कर रही है वर्तमान के अंदर। ये तो वर्तमान में प्राचीन काल के औजार क्या थे, प्राचीन काल के औजार हमारे पास में थे ज्यादातर लकड़ी और पत्थर। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख औजार है कुल्हाड़ी, क्या है, कुल्हाड़ी। ठीक है, एक है हंसिया, हंसिया जानते हो, हंसने वाले को हंसिया कहते हैं, नहीं, हंसिया होता है पीछे एक लकड़ी का डंडा लगा रहता है और आगे इस प्रकार, फसल को वो जो होता है ना छोटे छोटे झाड़ियां जो होती है बेर की, ठीक है, मारवाड़ी में झाड़िया बोले बन झाड़िया, छोटा छोटा बोर लगे भागे है ना, गाँव के मायने तो है खूब सारा, शहरी क्षेत्र में देखना में अपन नहीं मिल रहा है, और बाकी जो की लकड़ी हुए, ठीक है, बाकी जो चारों है या खेजड़ी, खेजड़ी को जो चारों है तो लूंग बोले, ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हुए बात झाड़ियाँ का जगह पत्ता हुआ पान बोले पालो, बकरियाँ के खाने में बहुत ज़्यादा काम है, बकरियाँ के लिए तो पनीर है वो पालो या दे दें, और भी किसी की लकड़ियाँ मज्जा हुए वहाँ लकड़ियाँ ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण अंचल के वहाँ जगह बाढ़ बाढ़ हुआ करें, ठीक है, खेत के चारों तरफ मान लियो या बाढ़ों तक हुआ करें, बकरियाँ वगैरह जानवर वगैरह बांध दें, बी के चारों तरफ करने में वो काम, ठीक है। और फसल कटाई, बाजरे की फसल हो या गेहूं की हो चाहे कौन हो, इस प्रकार की फसल कटाई के अंदर ये हंसिया काम आता है, हंसिया और कुल्हाड़ी दोनों। तो ये किसका बना हुआ है, देखो इसके पीछे का जो हिस्सा है ये वाला, ये तो बना हुआ लकड़ी का, और ये जो चीज बनी हुई है प्रारंभिक काल के अंदर ये किसकी थी, पत्थर की, किसकी बनी हुई थी, पत्थर की, ठीक है। इसके बाद के अंदर ये कांसे की, तांबे की, लोहे की, ये बने थे, ठीक है, आपको पता है ना, इस धरती पर सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया जाने लगा, जिस धातु की पहचान की गई, वह धातु धातु थी कांसा, कौन सी धातु थी, कांसा, कौन सी धातु है, कांसा है, ध्यान में रखना, तांबा नहीं है और लोहा नहीं है, तो हड़प्पा जो सभ्यता है ना ये कहलाती है कांस्य युगीन, ठीक है, कांस्य युगीन, युगीन का मतलब युग की, युग काल की, कौन से काल की, कांस्य युगीन, सिंधु सभ्यता है कांस्य युगीन, लोह युगीन, ताम्र युगीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, एबेसे आएंगे आपके पेपर में, ध्यान रखना कम से कम 10 से 15 तो एबेसे, उस एबेसे में ये प्रश्न आ गया आपके कि हड़प्पा सभ्यता को शामिल सम्मिलित किया जाता है कांस्य युगीन सभ्यताओं में, लोहे युगीन सभ्यताओं में, ताम्र युगीन सभ्यताओं में, ठीक है, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, या ए बी बी सी ए सी कोई से भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता कहलाते हैं कांस्य युगीन, क्योंकि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाने लगा था, कांसा का,
और सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो कांसा के जानकार थे, इसलिए प्राचीन काल के जो प्रारंभिक औजार थे वो औजार तो बनते थे लकड़ी और पत्थर के, और फिर इस पत्थर के जरिए काम किसका होता था, धातु का कार्य किया जाता था। ठीक है, चौथा हमारे पास में साक्ष्य है कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो कृषि क्षेत्र थे जहां पर खेती बाड़ी की जाती थी, ठीक है, ये थे अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, क्लियर है। एक तो होता है पूरा ही शुष्क और एक होता है अर्ध शुष्क। शुष्क उसे बोलते हैं जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क क्षेत्र अपने राजस्थान का जैसलमेर बाड़मेर ये क्षेत्र है ना, ये शुष्क क्षेत्र है। अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो सिंधु सभ्यता के ज्यादातर स्थल कैसे थे, अर्ध शुष्क थे, वर्षा हो भी जाती थी और नहीं भी होती थी, दोनों प्रकार की बातें। ऐसी कंडीशन में हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन नहीं हो तब। अभी वर्तमान में खेती बाड़ी किससे हो रही है, सिंचाई सुविधाओं से। सिंचाई करते ही नहीं करते, कुएं ट्यूबवेल वगैरह नहरें, इंदिरा गांधी नहर का नाम सुना है, राजस्थान को तो मतलब एक अलग ही कर दिया है उसने, इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर जो है वो हमारे लिए गेहूं का और चावल का उत्पादन होता है इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है ना। प्राचीन काल में सिंचाई के साधन क्या थे, प्राचीन काल में सिंचाई के साधन क्या थे या कैसे होती थी। तो मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं पढ़ाई थी, तब एक बिंदु पढ़ाया था आपको धोलावीरा, कहां पर है, गुजरात में, कौन सा स्थल है धोलावीरा, ये है गुजरात में, कहां पर है, गुजरात के, ठीक है। यहां मैंने बताया कि आपको अवशेष मिले किसके, जलाशय, जलाशय जल प्लस आशय स्थल जलाश्रय, ठीक है, तालाब बड़े बड़े। अब उन तालाबों के माध्यम से छोटी छोटी नालियां करके, ठीक है, पाइप तो था नहीं उस समय, आजकल तो फवारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, लाइट का बटन चलाया अपने आप ही फवारे घूम रहे हैं, दृश्य जोरदार लग रहा है। उस समय वो तकनीक नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी, तो उन जलाशयों से छोटी छोटी नहरों के माध्यम से नालियां निकाल करके और सिंचाई की जाती थी, ठीक है। तो एक तो जलाशयों के अवशेष कहां से मिले हैं, धोलावीरा, एक है अफगानिस्तान का स्थल, अफगानिस्तान के दो बताए थे मैंने, एक बताया था सुरतगोई, एक बताया था मुंडीकार, इन दोनों में से एक स्थल है अफगानिस्तान का, ठीक है। तो पहला वाला देखो मैं, सुरतगोई कहां पर है, अफगानिस्तान में, ठीक है, ये अफगानिस्तान में कौन सा स्थल है, सुरतगोई, गुजरात में कौन सा स्थल है, धोलावीरा। इन दोनों स्थलों से किसके अवशेष मिले हैं, जलाशयों के। इन जलाशयों के पास में बहुत सारी छोटी 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 नालियां निकलनी थी, इन नालियों से क्या होती थी, सिंचाई। क्यों, क्योंकि ज्यादातर कृषि स्थल कैसे थे, अर्ध शुष्क, बरसात ज्यादा नहीं होती थी, कम होती थी। ऐसी कंडीशन में सिंचाई के साधनों से या सिंचाई के द्वारा फसलों को तैयार किया जाता था। चार बिंदु हैं, तीन नंबर का सवाल आएगा आपके इस प्रकार के छोटे सवाल, ठीक है। बिंदु क्या था, हड़प्पा काल में कृषि और प्रौद्योगिकी, आपको कॉपी के अंदर करना है ये सवाल। धन्यवाद।